ओके, हमने अभी तक पढ़ा हुआ था चैप्टर फर्स्ट, आज हम आपके सामने चैप्टर सेकंड डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें अगर ये आपने जीवन चक्र समझ लिया तो ये मान के चलिए कि आपको सेकंड चैप्टर जल्दी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये बता रही हूँ कि आवर्तबीजी पौधों के का जीवन चक्र हम लोग को समझना है, जिसका रेखा चित्र ये है। इसके पहले मैं आपसे यही कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले आवर्तबीजी पौधे कौन से कहलाते हैं? आवर्तबीजी पौधे वे पौधे होते हैं जिनमें बीजों का निर्माण होता है, उन पौधों को हम क्या कहते हैं? आवर्तबीजी पौधे। तो हम आपको पूरा यहाँ समझाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि पुष्पीय पादप, पुष्पीय पादप मतलब जो आवर्तबीजी पौधे होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं? पुष्प पाए जाते हैं। पुष्प पाए जाते हैं, यहाँ लिखा है स्पोरोफाइटिक, तो यहाँ लिखा है आपका ब्रैकेट 2n, 2n मतलब उसमें कितने युग्मक होते हैं आपके गैमेट्स में? दो केंद्रक होते हैं, मतलब ये द्विगुणित होता है। फिर यहाँ से इसमें क्या बनता है? पुष्प। तो इस पुष्पीय पादप जो आपका पाया जा रहा है वो द्विगुणित हो क्या बना, इससे पुष्प बना। तो पुष्प में फ्लावर में दो अंग पाए जाते हैं, एक होता है नर जनन अंग, दूसरा होता है मादा जनन अंग। तो नर जनन अंग को हम क्या कहते हैं? एंडोसियम। मादा जनन अंग को हम क्या कहते हैं? गायनोसियम कहते हैं। तो नर जनन अंग के भाग कौन कौन से होते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। नर जनन अंग का भाग होता है आपका स्टेमेन, पोलन सैक, और मादा जनन भाग का क्या होता है? कार्पल, ओव्यूल, जिसको हिंदी में बीजांड कहते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए, मादा जनन अंग का कार्पल हो गया, फिर बीजांड हो गया, बीजांड का क्या हो गया? मेघास्पोर। तो बीजांड में क्या बनेगा? मेघास्पोर। और मेघास्पोर से किसका निर्माण हो रहा है? फीमेल गैमेटोफाइट्स का निर्माण होगा। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए नर जनन अंग पर। तो नर जनन अंग पर यहाँ पर देखिए आपका स्टेमेन है, फिर आपका परागकोष मतलब पोलन सैक पाया जा रहा, फिर आपका माइक्रो स्पोर्स मतलब लघु बीजाणु पाया जा रहा है, और माइक्रो स्पोर्स से किसका फॉर्मेशन हो रहा है? मेल गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अब जो फ्लावर होते हैं, तो फ्लावर में जो मेल गैमेटोफाइट्स है इसमें दो गैमेट्स होते हैं, मतलब दो नर युग्मक पाए जाते हैं। ये दिया आपका फर्स्ट नर युग्मक और ये दिया आपका नर युग्मक सेकेंड। तो ये नर युग्मक है ये आगुणित है, आगुणित मतलब इसमें कितने केंद्रक पाए जा रहे हैं? एक केंद्रक। देखिए नर युग्मक मेल गैमेट्स यहाँ एन लिखा है, मेल गैमेट्स टू में भी आपका एन लिखा है, तो ये आपका क्या है? नर युग्मक कितने पाए जा रहे हैं फ्लावर में? दो पाए जा रहे हैं। अब फीमेल गैमेटोफाइट्स में ध्यान दीजिएगा, फीमेल गैमेटोफाइट्स में जो आपका पाया जा रहा है एग, वो भी आपका कैसा है? आगुणित है, मतलब एक केंद्रक वाला है। लेकिन दूसरा जो केंद्रक होता है वो होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो कैसा होता है? दो एन, मतलब द्विगुणित, जिसमें कितने केंद्रक पाए जा रहे हैं? दो केंद्रक पाए जा रहे हैं। अब इनका निर्माण कैसे होता है, द्विकेंद्रक कैसे बन रहा है, ये हम आपको आगे वाले नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जो एग है, अब यहाँ देखिएगा सबसे पहले कि जो एग है ये फर्स्ट नर युग्मक के साथ क्या होगा? संयोजन करेगा, और इन दोनों के संयोजन से क्या बनेगा? जायगोट। तो यहाँ सिंगल एन है, यहाँ सिंगल एन है, इन दोनों के मिलने से यहाँ टू एन हो गया, मतलब जायगोट कैसा हो गया आपका? द्विगुणित हो गया। और जायगोट से ही क्या बनेगा आपका? भ्रूण, मतलब टू एन, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। दूसरा नर युग्मक, यहाँ पर ध्यान दीजिए, दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक मतलब सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ संयोजन करके क्या बनाता है? एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, मतलब भ्रूण कोष केंद्रक का निर्माण करेगा। यहाँ 2n है, यहाँ सिंगल n है, 2n प्लस n होगा तो यहाँ कितना हो गया? 3n हो गया, मतलब एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया, भ्रूण कोष केंद्रक। भ्रूण कोष केंद्रक से क्या बनेगा? भ्रूण कोष मतलब एंडोस्पोस बनेगा, एंडोस्पर्म सॉरी। तो एंडोस्पर्म जो बनता है, क्वेश्चन ये आता है वन मार्क्स का कि भ्रूण कोष आगुणित है, द्विगुणित है या त्रिगुणित, तो ये कैसा होता है? त्रिगुणित। अब जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो भ्रूण पोष से क्या लेगा? पोषण लेगा, और पोषण लेने के बाद किस में कन्वर्ट होगा? बीज में कन्वर्ट होगा, बीज आपका कैसा रहेगा? द्विगुणित होगा, और बीज से एक पुष्पीय पादप मतलब एक ऐसे पौधे का विकास हो जाएगा जो इसमें क्या बनते हैं? पुष्प पाए जाते हैं। इस प्रकार से आवर्त बीज पौधों में जीवन चक्र पाया जाता है। यदि ये जीवन चक्र आपने याद कर लिया तो ये चैप्टर भी आपको पूरा याद हो जाएगा। ओके।